हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल थ्री एस फैमिली होम किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की बिरयानी। तो यहाँ पे कटहल ले लिया है, हरी मिर्ची, नींबू आधा टुकड़ा, दही है, चावल है, प्याज है और आलू है। अगर आप लोग आलू स्किप करना चाहते हो तो आलू स्किप कर सकते हो। तो मैं कटहल को पहले बीच का जो हिस्सा उसको काट के निकाल लूँगी। और मैंने यहाँ पे चावल का कलर करने के लिए बीटरूट का जूस निकाल लिया थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा रेड कलर आए चावल में। तो यहाँ पे देखिए कटहल का जो ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा है, हम आगे का उसको काट कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। और कटहल को आप अपने हिसाब से छोटे बड़े स्लाइसेस में कट करके ले सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिए। कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको कौन सी रेसिपी देखनी है। तो यहाँ पर मैंने सारे कटहल को काट के ले लिया है और मैंने आलू को भी थोड़ा बड़ा स्लाइस करके काट लिया है, जैसे बिरयानी में हम डालते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक पैन में डाल दिया है पानी और इसमें कटहल और आलू को डाल देंगे। थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ इसको हम अच्छे से थोड़ा सा बॉईल होने देंगे और सॉफ्ट होने देंगे। तो उससे क्या होता है, जो कटहल के ऊपर का जो थोड़ा सा चिपचिपाहट रहती है गम के जैसा, वो नहीं रहेगा और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो मसाला भी अच्छे से इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, साथ ही में थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। तो मेरा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको बॉईल होने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई और ले लिया है, इसमें पहले हम चावल को बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो चावल को हमें 70% तक कुक कर लेना है और 30% हम दम में इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी जो चावल है वो ले लिया है और इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसमें पानी का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, क्योंकि पानी हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और साथ ही में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूँगी, ताकि चावल जो है थोड़ा खिला खिला बने। तो यहाँ पे नमक मैं बाद में डालूँगी, पहले डालने से चावल जो है थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा पक जाता है। तो इसको मैं अभी गैस पर रख रही हूँ कुक होने के लिए। और यहाँ पर जो हमारा कटहल और आलू है वो भी अच्छे से बॉइल हो गया है, इसमें भी थोड़ा सा मसाला हम ऐड कर देंगे। पहले हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रहे हैं, साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो पहले भी हमने हल्दी पाउडर डाला है, तो उसी हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए। साथ ही में डाल देंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, तीखा जितना आप खाते हो उसके हिसाब से आप लाल मिर्ची पाउडर डालिए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। कलर के लिए 1 चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मैं डाल दूँगी इसमें। और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे सब्जी गरम मसाला जो होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से हम डाल देंगे इसमें। हरी मिर्ची जो हमने स्लाइस करके रखा है लंबे लंबे, और इसमें अभी हम ऐड कर देंगे सरसों का तेल। और इसमें ऐड कर देते हैं लास्ट में दही और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है, जब तक हमारा जो चावल है वो भी रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल दिया है और अभी हम इसमें दही डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच दही डाल रही हूँ और अभी सारी चीज़ों को अच्छे से चम्मच की हेल्प से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अच्छे से देखिए इसको मिक्स कर लीजिए। ये गरम है, अगर थोड़ा ठंडा होता तो आप इसको हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो ये गरम है इसलिए मैंने यहाँ पे चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है रिफाइंड ऑयल, इसमें भी हम जो प्याज है उसको फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक, जिसको हम बैरिस्टा बोलते हैं। तो इसमें मैं आधा जो प्याज है वो बैरिस्टा जो लेयर बनाना है उसके लिए रखूँगी, और थोड़ा सा प्याज में कटहल का जो मैंने मेरिनेशन रखा है उसमें डाल दूँगी। इससे क्या होता है कटहल का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है।
ऐसे ही अच्छे से ब्राउन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा इसको हमें निकाल लेना है और इस कढ़ाई में जितना तेल, इसमें से हमें तेल थोड़ा कम कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक चम्मच जो प्याज है मैंने वो डाल दिया है, कढ़ाई से मैंने तेल भी कम कर लिया है। प्याज के साथ भी अच्छे से हमें जो मैरिनेशन हम रेडी किया है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है प्याज के साथ। और यहाँ पे तेल के साथ हमें छोटी इलायची डालना है, बड़ी इलायची डालना है, साथ में डालना है 3-4 लौंग, दालचीनी, साथ में हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा साबुत जीरा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर सकते हैं या फिर घी डाल के इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मैरिनेशन रेडी किया है उसको डाल देंगे और इसको भी हम अभी थोड़ा सा चला लेंगे ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में इसमें लीड लगा के छोड़ देंगे 4-5 मिनट के लिए, ताकि जितने भी मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए और आलू और कटहल के साथ भी अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अभी देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अपने इसमें लीड लगा देना है। तो मसाला का जो बोल था उसको मैं थोड़ा सा साफ करके उसी का पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मसाला हमें वेस्ट नहीं करना है। तो अभी हम इसमें लीड लगा देते हैं 3-4 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे गैस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कटहल का मसाला है वो रेडी हो गया है और दूसरी तरफ जो हमारा चावल है वो भी मैंने 70% कुक करके निकाल लिया है, उसका पानी भी मैंने हटा दिया है। तो इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर लीड लगा के छोड़ रही हूँ। अभी देखिए जो तेल हमारा है मसाले का वो छोड़ दिया है, तो अभी गैस को बंद करके इसको हम ठंडा होने देंगे और इसको जो है लेयरिंग कर लेंगे बिरयानी का। तो जिस कढ़ाई में मैंने चावल बनाते हैं वही कढ़ाई मैं ले लूँगी। अभी इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी और अच्छे से इसको चारों तरफ फैला दूँगी। घी को अच्छे से फैलाने के बाद इसमें हम लेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। आप चाहे तो नीचे तेज पत्ता डाल के उसके ऊपर लेयरिंग कर सकते हैं। तो कढ़ाई को मैंने पहले जो पानी था उसको अच्छे से सुखा लिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं चावल का लेयर कर रही हूँ और इसके बाद इसमें मैं जो कटहल और आलू का मसाला है वो लेयर करूँगी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें रेसिपी को। तो यहाँ पे पहले मैंने चावल का लेयर कर दिया है, उसके बाद थोड़ा सा घी डाल दिया है, अभी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला, इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने बेरस्ता रेडी करके रखा है वो, और थोड़ा सा धनिया पत्ता। आप चाहे तो इसमें केवड़ा वाटर और रोज वाटर जो है वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए बीटरूट का जो जूस है वो डाल दिया है। आप चाहे तो केसर और दूध का मिक्सचर भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं बेरस्ता डाल रही हूँ और बेरस्ता को डालने के बाद इसमें अभी जो हमारी सब्जी है कटहल और आलू की मसाला वो डाल देंगे और इसके ऊपर हम फिर से लेयरिंग कर देंगे चावल का। और इसकी लेयरिंग करने के बाद सेम मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, पहले मसाला फिर बेरस्ता फिर जो धनिया पत्ता है वो, और यहाँ पे है बिरयानी का टोटल सब चीज़ों को मिक्स करके एक एसेंस मिलता है वो मैंने डाल दिया थोड़ा सा। और इसके ऊपर अभी हम डाल देंगे जो बचा हुआ हमारा कटहल और आलू की मसाला है वो डाल देंगे। फिर थोड़ा सा चावल डाल के हम इसमें लीड लगा के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा चावल और डाल दिया है, ऊपर से बीटरूट का थोड़ा सा जूस बचा हुआ था वो मैंने डाल दिया है। अभी लीड लगा के हम गैस में रखेंगे एक तवा, उसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा 5 मिनट गर्म होने देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके दम में बैठाना है हमें 20-25 मिनट के लिए, और 20-25 मिनट के बाद हमें गैस को बंद कर देना है और इसको फिर से 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें प्लेटिंग करना है, क्योंकि अगर हम तुरंत बिरयानी सर्व करने जाएंगे तो चावल जो है वो चिपक जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करने देना है। यहाँ पे मैंने प्लेटिंग भी स्टार्ट कर दिया है, तो इसके साथ मैं सर्व करूँगी खीरा। आप चाहे तो पापड़ या फिर अचार भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर जो रायता है वो भी आप इसमें सर्व कर सकते हैं। तो इसमें इसके साथ लेकिन ज़्यादा जो खीरा है वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी प्लेटिंग रेडी कर लिया है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।